हेलो दोस्तों, मैं चंदन कुमार आप सबका आपके अपनी यूट्यूब चैनल मैराथन जी के जिसमें स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम लोगों ने राज्यों को पढ़ने की एक सिलसिला की शुरुआत की थी, जिसमें हम लोगों ने करीब 11 राज्यों के बारे में उसकी पूरी डिटेल देख लिया, जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग भारत के राज्य सभी महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ किस सीरीज की जो है वो 12वीं भाग लेके आए हैं, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं आज एक बहुत ही बेहतरीन राज्य जो है आपका कर्नाटक। ठीक है, तो भारत के महत्वपूर्ण राज्य सभी तथ्यों के साथ जिसमें हम पढ़ेंगे आज कर्नाटक। चलिए दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक, स्किप मत कीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा राज्य है जो आपके हर प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स लेकर के आता है। अगर ये राज्य आपका अगर छूट गया तो आई होप बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में छूट जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। करते हैं कर्नाटक, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है ना। अगर हम बात करें कर्नाटक को, तो कर्नाटक को एक राज्य कई दुनिया नाम से भी जाना जाता है ना, यानी इतनी वैरायटीज यहाँ पर चीजों देखने को मिलती है कि इसको एक राज्य कई दुनिया का नाम दिया गया है। कर्नाटक दोस्तों उन राज्यों में गिना जाता है जो तट रेखा से, जिसमें तट रेखा यानी जो समुद्र से लगे हुए हैं, तट रेखा से जुड़े हुए हैं उन राज्यों में। आपको पता होना चाहिए कि भारत के 9 ऐसे राज्य हैं जो तट रेखा से लगे हुए हैं। ठीक है, जिसमें गुजरात आता है, जिसकी तट रेखा सबसे बड़ी है। इसका वीडियो हमने बना चुके हैं, आपने देखा भी होगा गुजरात की वीडियोस को। महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटका है, केरला है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और वेस्ट बंगाल है। जी दोस्तों, इतने ऐसे राज्य हैं जो तटरेखा से लगे हुए हैं, इन्हीं राज्यों में कर्नाटक को भी गिना जाता है। तो चलिए कर्नाटक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात को देखते हैं। अगर हम बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक जो है एक राज्य कई दुनिया नाम से जाना जाता है। ठीक है, कर्नाटक क्या है, एक राज्य कई दुनिया नाम से भी जाना जाता है, तो ये याद रखना है। अगर हम इसके परिचय की बात करें, हिस्ट्री वाले पार्ट पे चलें, तो सबसे पहले तो ये देखिए कर्नाटक जो शब्द है ये कैसे बना, किस चीज से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो दोस्तों, कर्नाटक की उत्पत्ति जो है ये कन्नड़ एक शब्द है जिसका नाम है करुनाडु। ठीक है, इस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है और इसका अर्थ होता है करु, जो वर्ड बना इसको दो भाग बांट दो आप, तो करु का मतलब होता है काली या ऊंची और नाडु का मतलब होता है भूमि या प्रदेश, यानी काली या ऊंची भूमि या प्रदेश को ही आगे चलकर कर्नाटक नाम दिया गया था। आगे देखें कि कर्नाटक एक राज्य के रूप में जब गठित हो रहा था उस समय इसका नाम कर्नाटक नहीं था। ठीक है, जिस समय यह गठन हुआ उस समय इसका नाम था मैसूर राज्य। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी करके याद कर लीजिए कि कर्नाटक का पुराना नाम क्या था, यानी पहले हम इसको किस नाम से जानते थे। ये मैसूर राज्य से बना था और बाद में इसका नाम 1973, दोस्तों ये याद रखना है, ये भी वीवीआई पॉइंट है आपका, कि 1973 में मैसूर राज्य का नाम बदल करके कर्नाटक कर दिया गया था। 1973 से इसका नाम कर्नाटक है। तो ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि कर्नाटक नाम कब और कैसे पड़ा। आगे देखें कर्नाटक के, अगर हम इतिहास की बात करें तो इसका इतिहास बहुत पुराना है। प्राचीन कई ऐसे राजवंश रहे जिसका शासन कर्नाटक पर देखने को मिलता है, उसमें से कुछ महत्वपूर्ण वंशों के नाम जिसको आपको याद कर लेने, कभी कभी एमसीक्यू के रूप में आपसे पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासन कर्नाटक के क्षेत्र पर नहीं था। तो चलिए अगर उन वंशों को हम देखें, इसके इतिहास को देखें, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण वंश है नंद वंश। नंद वंश आपको याद होगा कि मगध साम्राज्य जो है हिस्ट्री में, वहां पर इन सब वंशों के बारे में पढ़ना है हमें, तो यहाँ पर ज्यादा डिटेल में नहीं करने वाला हूँ। आगे हिस्ट्री जब करूंगा वहां पर इन सारे वंशों को विस्तार से हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो नंद वंश ने इस पर शासन किया है, मौर्य वंश शासन किया है, सातवाहन वंश शासन किया है, चालुक्य वंश। चालुक्य वंश में भी दोस्तों कई चालुक्य वंश होते हैं, जिसमें बादामी वाला जो चालुक्य वंश था उसका शासन कर्नाटक के क्षेत्रों पर पड़ा था। कदंब वंश, कदंब वंश जो है ये महत्वपूर्ण बन जाता है कर्नाटक के स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन के लिए, जो बहुत महत्वपूर्ण है। कर्नाटक जो कदंब वंश में अगर देखें तो इसके जो संस्थापक उसका नाम है मयूर शर्मा, याद रखना मयूर शर्मा ने इसकी स्थापना की थी और इसकी राजधानी थी बनवासी, और यह वंश जो है 345 ईस्वी के समय अपना प्रभाव में था, यानी इसका शासनकाल उस समय चल रहा था। अगर अगली वंश की बात करें तो पश्चिम गंग वंश, ये भी कर्नाटक के लेवल के एग्जामिनेशन के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो आप इनको भी याद रखना है। पश्चिम गंग वंश, इनकी स्थापना
कोंगनी वर्मन ने किया था 350 ईस्वी में, और उस समय इसकी राजधानी जो थी वो तालकार इसकी राजधानी हुआ करती थी। तो ये दो राजवंश आपके महत्वपूर्ण है कर्नाटक के नजरिए से। अगर हम देखें आगे तो चोल वंश, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। चोल वंश जो है इसके बारे में पूछ लिया जाता है। चलिए दोस्तों, एक होमवर्क आपका है, चोल वंश के फाउंडर कौन है, इसका नाम आप कमेंट में जरूर बताएंगे। चोल वंश के बाद होयसाल वंश है, संगम वंश, ये भी कर्नाटक के नजरिए से काफी महत्वपूर्ण है, तो आप इसे भी वीवीआई बना लीजिए। ये संगम वंश वही वंश है दोस्तों जिसको हरिहर और बुक्का ने अपने पिता के नाम पर बनाया था। ये हरिहर और बुक्का कौन है तो आपको याद करा दूं कि जब दिल्ली सल्तनत पर मोहम्मद बिन तुगलक का शासन काल चल रहा था तो उनसे परेशान होकर के इन दो भाइयों ने कर्नाटक में एक नए साम्राज्य की स्थापना की थी जिसे हम कहते हैं विजयनगर साम्राज्य। कई बार हजारों बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब किया गया था, तो याद रखना 1336 में इसकी स्थापना हुई थी। और किसने किया था तो हरिहर और बुक्का ने किया था, और इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी दोस्तों, तो याद रखना हम्पी इनकी राजधानी थी, जो आज के डेट में जो 50 रुपया का नया वाला नोट आता है उस पर इसकी तस्वीर आती है। तो ये तो हो गया आपके संगम वंश के बारे में। अच्छा, ये जो विजयनगर साम्राज्य बना इसका अंत कब और कैसे हुआ, ये पॉइंट भी आपके एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है, तो इसके एग्जाम इसके लिए याद रखना है कि विजयनगर साम्राज्य जो था इसका अंत तालीकोटा, या कहीं कहीं तलाईकोटा भी आप पढ़ लोगे, तालीकोट या तलाईकोटा युद्ध जो 23 जनवरी 1565 ईस्वी को हुआ था, इसी के बाद इसका अंत मान लिया जाता है, यानी यह विजयनगर साम्राज्य समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों ये बातें होगी कर्नाटक के कुछ इतिहास से जुड़े उन पहलुओं को जो आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। चलिए अब जानते हैं हम कर्नाटक के वर्तमान स्वरूप के बारे में कि आखिर कर्नाटक की वर्तमान स्थिति क्या है और कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट उन सब में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग आगे। चलिए दोस्तों, तो बात करते हैं हम कर्नाटक के वर्तमान स्वरूप की। अगर हम इसके गठन की बात करें तो कर्नाटक का जो गठन हुआ है दोस्तों वो हुआ है 1 नवंबर 1956 को। ये डेट याद रखना है, कर्नाटक का दिवस जो है वो कब मनाया जाता है तो 1 नवंबर को ये दिवस मनाया जाता है। एक खास बात याद रखना, जिस समय ये बना तो ये एक राज्य था जिसके रूप में ये गठित हुआ था, उस समय इसका नाम कर्नाटक तो था नहीं, तो मैसूर राज्य के रूप में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कर्नाटका का गठन किस राज्य के रूप में हुआ था तो आंसर होगा आपका मैसूर। ठीक है, आगे देखते हैं इसकी राजधानी की बात करें तो आप सब इससे अवेयर होंगे, बेंगलुरु इसकी कैपिटल है, इसकी राजधानी है, साथ ही ये इसका सबसे बड़ा शहर भी है। अगर हम यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें तो वो है मुख्यमंत्री है VS येदियुरप्पा। क्या नाम उनका? VS येदियुरप्पा जो है वो कर्नाटका के मुख्यमंत्री हैं। इस बार कर्नाटका में जो सरकार बनी तो काफ़ी जो है उथल पुथल का नज़ारा देखने को मिला था कर्नाटका में, और फाइनली VS येदियुरप्पा जो हैं जो बीजेपी से हैं, किससे हैं ये तो बीजेपी से हैं, इन्होंने यहाँ पर सरकार बना ली। आगे देखते हैं यहाँ के राज्यपाल यानी गवर्नर की बात करें तो वाजूभाई रुदाभाई वाला, ये नाम याद रखना है इनका, ये यहाँ के गवर्नर है। बहुत जगहों पर या बहुत सारे बुक्स में जो है आपको गवर्नर के नाम सिर्फ वाजूभाई वाला भी मिल सकता है, तो आप परेशान मत होना। ठीक है, अगर आप पूरा नाम याद रखते हो वाजूभाई रुदाभाई वाला तो भी सही है, या वाजूभाई वाला भी याद आप कर सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ की आधिकारिक भाषा तो जैसा कि हमने अभी परिचय में देखा था कि जो कर्नाटका है वो कन्नड़ शब्द से बना है, तो ऑब्वियसली यहाँ की जो आधिकारिक भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कौन सी भाषा है दोस्तों, तो कन्नड़ यहाँ की ऑफिशियल भाषा है। अगर हम कन्नड़ की बात करें तो कन्नड़ जो है ये हमारे देश की एक क्लासिकल लैंग्वेज भी कहलाता है दोस्तों, ये भी याद रखना है, एक क्लासिकल लैंग्वेज भी है ये भारत का, यानी शास्त्रीय भाषा भी हम कन्नड़ को कहते हैं। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो बहुत कम घनत्व है, 320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में यहाँ निवास करते हैं। ठीक है, कितनी व्यक्ति? 320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। अगर हम लिंगानुपात की बात करें तो काफ़ी अच्छा लिंगानुपात कह सकते हो, और यह लिंगानुपात जो है ये है आपका 973 महिलाओं पर प्रति 1000 पुरुष पर 973 महिलाएँ यहाँ लिंगानुपात है। चलिए साक्षरता दर की बात करें तो
तो 75.36% यहाँ की साक्षरता दर है, यानी ठीक ठाक कह सकते हैं आप। जिलों की संख्या अगर कहें तो जिला की संख्या यहाँ पर 30 है, 30 है। अगर हम जनसंख्या दृष्टि से बात करें कि कर्नाटका किस राज्य में आता है, कौन सा राज्य होगा, तो ये आठवां। और अगर हम बात करें क्षेत्रफल दृष्टि से तो ये है छठा राज्य। तो दोनों याद रखना, जनसंख्या दृष्टि से आठवां और क्षेत्रफल दृष्टि से छठा स्टेट है। दोस्तों अगर हम इसकी स्थिति की बात करें तो ये भारत के दक्षिणी पश्चिमी जो तट रेखा है भारत की, उस किनारे पर ये राज्य स्थित है। ठीक है, तो दक्षिणी पश्चिमी भारत में इसका स्थिति देखा गया है। नॉर्मली हम इसे दक्षिण भारत में स्थित एक राज्य के रूप में जानते हैं। अब चलते हैं दोस्तों कि इसकी जो सीमा है, इसका जो बॉर्डर है, ये किस किस राज्य से टच करती है। तो अगर हम इसकी बात करें तो याद रखना, ये कुछ राज्य जैसे गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रा, तमिलनाडु, केरला, ये इतने राज्यों से जो है इसकी सीमा शेयर करती है, लगती है। और एक खास बात, ये एक ओर से जो है वो अरब सागर से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये याद रखना। दोस्तों इस राज्य की एक बहुत बड़ी खासियत मैं आपको बता दूं कि यह एकमात्र दक्षिण भारत का ऐसा राज्य है जो दक्षिण भारत के सभी चारों राज्यों के साथ सीमा शेयर करता है। ठीक है, ये वीवीए बना लीजिए, इससे क्वेश्चन बना जा सकता है, पूछा जा सकता है कि दक्षिण भारत का वह एकमात्र राज्य जो दक्षिण भारत के सभी राज्यों से सीमा शेयर करता है, वह आंसर कर्नाटका होगा। अगर हम बात करें दक्षिण भारत के चार राज्य, तो आपको दिख रहा होगा जैसे तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, केरला है और तमिलनाडु है। ये चार ऐसे राज्य जो दक्षिण भारत में सिचुएटेड है, तो इन सबों से ये सीमा शेयर करता है। अब चलते हैं, अगर हम कर्नाटक के राजनीतिक परिदृश्य की बात करें, वहाँ की पॉलिटिकल जो व्यू है वो क्या है, तो देख लीजिए यहाँ पर कर्नाटक जो है, ये याद रखना है कि ये द्विसदनीय राज्य है ना, बाइकैमरल स्टेट है। याद क्या रखना है, द्विसदनीय राज्य। द्विसदनीय की बात मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि वैसा राज्य जिसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों होता है, उसे हम द्विसदनीय यानी बाइकैमरल स्टेट के नाम से जानते हैं। अब चलते हैं कि यहाँ राज्यसभा सदस्य की संख्या कितनी है, तो दोस्तों याद रखना 12। कितनी, राज्यसभा सदस्य की संख्या 12 है। अगर हम लोकसभा सदस्य की बात करें तो याद रखना है 28, और अगर हम यहाँ विधानसभा सदस्य की बात करें तो 224, और विधान परिषद की बात करें तो 75। ये चार नंबर्स जो है हर राज्य के लिए महत्वपूर्ण होता है, जहाँ पर चार होते हैं तो चार, और जहाँ पर तीन है तो तीनों, याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाले एग्जामिनेशन में यहाँ से प्रश्न जो है वो पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी राजनीतिक परिदृश्य, और ये कई बार एग्जामिनेशन में रिपीटेड हो चुके क्वेश्चंस हैं कि कौन सा लोकसभा में कितने सदस्य, राज्यसभा में कितने सदस्य, तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। दोस्तों वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, ये कर्नाटक एक इतना महत्वपूर्ण राज्य है, और इसे जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट है, कमाल के फैक्ट, ये अगले स्लाइड में हम लोग देखने वाले हैं। तो कंटिन्यू हमारे साथ बने रहे, वीडियो को पूरा देखें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों देखते हैं, तो आगे देखते हैं कर्नाटका से जुड़ा कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंटों को, जिसमें पहला है हम लोगों को देखना राजकीय तथ्य। जो राजकीय तथ्य यानी राज्य से जुड़े हुए जितने सिंबॉल हैं उसके बारे में, और ये जो स्लाइड है आपकी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर हम राजकीय तथ्य की बात करें, सबसे पहले यहाँ की हम चिन्ह की बात करते हैं, यहाँ के प्रतीक की बात करते हैं कि कर्नाटक का जो प्रतीक है ये कैसा, कौन सा है, तो याद रखना है गंडा वेरुंडा। ये एक प्रतीक है जिसमें पक्षियों का दो सर का जो सिंबल है ऐसे करके लोग बना रहता है, जिसको हम एम्बल भी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो प्रतीक की बात करें तो गंडा वेरुंडा ये याद रखना है। अगर हम बात करें यहाँ की राजकीय गीत की, यानी जो स्टेट सॉन्ग है यहाँ जो गाया जाता है, उसका नाम है जया भारत जनानिया तनु जाते। ये थोड़ा सा कन्नड़ लैंग्वेज में है, इसलिए नाम थोड़ा सा टफ लगेगा आपको। इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेट वर्सन जो इंग्लिश में जिसको कहा जाता है, ये है विक्ट्री टू यू मदर कर्नाटका द डॉटर ऑफ मदर इंडिया। ये इसका इंग्लिश वर्जन है जिसको इसको ट्रांसलेट किया गया है, जया भारत जनानिया तना तनु जाते का। ठीक है, अगर हम इस गाने की बात करें, इसकी बात करें, तो यह एक कन्नड़ कविता है, कन्नड़ पोएम है, और इसके जो रचनाकार है वो है कुवेम्पू। कुवेम्पू जो है ये बड़े स्तर के जो है वो पोएट है, और ये इंडियन नेशनल पोएम कहा जाता है, पोएट कहा जाता है इनको, इंडियन नेशनल कवि है ये, भारतीय राष्ट्रीय
कवि कहलाते हैं ये, बड़े स्तर के कवि हैं, ठीक है। और इस जो गाना है, ये जो कविता है, इसे राष्ट्रगान राजकीय गान के रूप में कब घोषित किया गया, तो डिक्लेयर्ड 6 जनवरी 2004, याद रखना, ठीक है। यानी 2004 से ये कर्नाटका का राजकीय गान बना हुआ है। आगे देखते हैं, अगर हम यहाँ के पशु की बात करें तो भारतीय हाथी इंडियन एलिफेंट जो है, ये VBI बना लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि जो भारतीय हाथी है ये किस किस राज्य का जो है वो सिंबल है, तो कर्नाटक का याद रखना है, बाकी राज्य में भी देखेंगे हम। अगर हम पक्षी की बात करें अगर, तो भारतीय नीलकंठ जिसे इंडियन रोलर कहा जाता है इंग्लिश में, ये यहाँ की राजकीय पक्षी है। अगर हम बात करें इसके इस वैज्ञानिक नाम का, तो ये नाम याद रखना है, करासियस बिंदालेंसिस, इसका साइंटिफिक नाम है, ये याद रखना है। अच्छा, एक बात आपको बता दूं कि नीलकंठ जो है ये कर्नाटका के अलावा एक दो और राज्य है जिसका राजकीय पक्षी है, तो मैं चाहूंगा कि आप इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दें कि कर्नाटका के अलावा और किस राज्य का राजकीय पक्षी नीलकंठ है, ठीक है। तो कमेंट में हम इंतजार करेंगे इस जवाब का। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ की फूल की बात करें, हम फ्लावर की बात करें तो वह है कमल, जिसको हम लोटस बोलते हैं इंग्लिश में, और इसका वैज्ञानिक नाम जो है वो है निलुम्बा न्यूसीफेरा, ये याद रखना है। क्यों वैज्ञानिक नाम बताया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे एग्जामिनेशन में अब जो नया ट्रेंड बना है वो अब नाम नहीं पूछता, उसका साइंटिफिक नेम पूछ दिए जाते हैं, इसलिए आप उसके साइंटिफिक नेम को याद रखना है, निलुम्बा न्यूसीफेरा। अगर यहाँ के हम ट्री की बात करें, वृक्ष की बात करें, तो सैंडलवुड यानी चंदन की जो पेड़ है, चंदन की जो लकड़ी है, वो यहाँ का वृक्ष है, राजकीय वृक्ष, और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो होता है सेंटालुम एल्बम, याद रखना है, चंदन के वृक्ष का पेड़। अगर हम बात करें नदियों की बात करते हैं कि कर्नाटका की कौन कौन सी प्रमुख नदियां जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, तो सबसे पहले तो बात करें कृष्णा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कृष्णा नदी जो है ये आपका आंध्रा में भी बहता है और कर्नाटका में भी है, तो कृष्णा कावेरी जो मैं राउंड अप कर रहा हूँ ये एकदम दिमाग में बैठा लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में 100% आता है। कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, तुंगभद्रा, ठीक है, ये तीन नदी तो आपके जहन में हमेशा रहना चाहिए, ये तीनों महत्वपूर्ण है जो कर्नाटका की प्रमुख नदियों में गिनी जाती है। कृष्णा की कुछ जो सहायक नदियां हैं उसमें भीमा नदी, घाट प्रभा, माल प्रभा, कावेरी की जो कुछ सहायक नदियां उसमें हेमवती है, अर्कावती नदी है, काबनी नदी है, तुंगभद्रा है, इसके बाद आगे देखें हम अलग अलग नदियों में तो वेदावती नदी भी एक बहुत महत्वपूर्ण नदी है, शरावती नदी भी एक बहुत महत्वपूर्ण नदी है, और शरावती नदी तो कई मामलों में आपसे क्वेश्चन के रूप में पूछेगा, जो अगली स्लाइड में हम इसके बारे में जानेंगे। काली नदी है, इस तरह के बहुत सारी नदियां कर्नाटका में बहती हैं। दोस्तों नदियों के बारे में एक और बात आपको बता दूं, बहुत सारी नदियों पर परियोजनाएं भी चलाई जाती, कई सारे रिवर प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं, जिसमें शरावती नदी पर शरावती परियोजना चलता है, घाट प्रवाह नदी पर घाट प्रवाह परियोजना चलता है, भद्रा जो है तुंगभद्रा वहां पर भद्रा परियोजना चलाया जाता है, और माल प्रवाह जो है वहां पर माल प्रवाह परियोजना भी चलाई जाती है। तो नदी के नाम पर ही परियोजनाएं हैं, इसलिए मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है, क्योंकि अगर आपसे वो क्वेश्चन पूछता है कि माल प्रवाह परियोजना किस नदी पर चलती है, तो माल प्रवाह नदी पर चलती है, ठीक है, तो पकड़ना आसान हो जाएगा। अब चलते हैं अगली स्लाइड में कर्नाटका की कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट्स को, तो हमारे साथ अंत तक इस वीडियो में जरूर बने रहिएगा और वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं आगे। चलिए दोस्तों देखते हैं कर्नाटका के कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंटों को, जो एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है। जैसे सबसे पहले बात करेंगे हम बांध की, यानी डैम की बात करें, तो कई सारे ऐसे बांध है जो कर्नाटका में स्थित है जो आपसे पूछ ले जाते हैं, जिसमें सबसे पहला बांध देखते हैं कृष्णा राजा सागर बांध, ये VBI बना लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये कावेरी नदी पर स्थित है। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं कि कंफ्यूज हो जाएंगे, कृष्णा सागर है तो कृष्णा नदी पर होगा, ऐसा नहीं, कावेरी नदी याद रखना है। तुंगभद्रा बांध की बात करें तो ये तुंगभद्रा नदी पर स्थित है, और अगर बिना आवानी विलास सागर बांध की बात करें तो ये वेदावती नदी पर स्थित है, और सुपा बांध की बात करें तो ये काली नदी पर स्थित है। अलमाटी बांध, ये VBI बना लीजिए दोस्तों, अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है, ये कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है कि अलमाटी बांध, दोस्तों इसको याद करने के छोटा सा ट्रिक याद रखना, ठीक है। कृष्णा जी जो थे वो बचपन बड़ा नटखट थे ना, और बच्चा सब करता क्या है कि वो मिट्टी उठा के खा लेता है ना, तो कृष्णा अलमाटी, माटी से मिट्टी जनरली हम लोग बोलते हैं ना,
तो कृष्णा जी जो है वो माटी खाते थे, तो अलमाटी नदी ऐसे करके आप याद कर लेना, ठीक है। तो अलमाटी बांध कहाँ है, कृष्णा नदी पर स्थित है। हेमावती बांध की बात करें तो ये हेमवती नदी पर स्थित है। तो ये अगर बांधों की बात करें तो इसमें दो बांध बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न वहां से उठा लिए जाते हैं। आगे अगर हम देखें तो अगला उत्सव, कुछ फेस्टिवल है जो वहां मनाया जाता है कर्नाटका में, जैसे मैसूर दशहरा, ये बहुत प्रसिद्ध है वहां का, और इसे आप वीवीआई बना लो। करगा, करगा या कहेंगे इसको कुर्गा भी लिख दिया जाता है, तो ये फेस्टिवल है। उगड़ी, ये दो तीन फेस्टिवल है जो वहां पर मनाया जाता है, तो फेस्टिवल उतना महत्वपूर्ण नहीं रहता है। आगे देखें नृत्य की बात करें तो नृत्य में कई सारे नृत्य हैं, जैसे कोलाटा है, डोलू नृत्य है, लांबी नृत्य है, कुनिता नृत्य है, और यक्षगान। यक्षगान दोस्तों इसको वीवीआई बना लीजिए, कि बहुत बार आपके एग्जामिनेशन में जो है प्रश्न पूछ लिया गया है कि यक्षगान किस राज्य का नृत्य है, तो वो कर्नाटका का है, क्लियर है। आगे देखते हैं हवाई अड्डा, तो हवाई अड्डा में एक ऐसा हवाई अड्डा जो कई बार चर्चा में रहा है, केम्पेगोंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये बेंगलुरु में स्थित है और बहुत बार चर्चा में था। इस बार पिछले साल ये चर्चा में इसलिए आया था कि यहाँ से जो है हेलीकॉप्टर टैक्सी की शुरुआत की गई थी, ठीक है, इसलिए काफी चर्चा में था। केम्पेगोंडा हवाई अड्डा ये बेंगलुरु में शुरू हुआ था। अगर हम दोस्तों बात करें अगले पॉइंट की ओर देखें तो राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभयारण्य की बात अगर हम करें, तो राष्ट्रीय उद्यान का मतलब हम करते हैं नेशनल पार्क, और वन्य जीव अभयारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण अभयारण्य है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, जैसे भतरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये जो टीआर लिखा हुआ दिख रहा है ये टाइगर रिजर्व है ना, ये टाइगर रिजर्व है भद्रा, या कहेंगे तुम भद्रा भी मिलेगा आपको, तो भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बांदीपुर नेशनल पार्क, ये वीवीआई दोस्तों बना लो, बहुत बार आपके एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लिया गया है कि बांदीपुर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो ये है आपका कर्नाटका में। दोस्तों इसको भी याद करने का छोटा सा ट्रिक याद रखना कि अगर आप किसी को बंदी बना लेते हो तो वो छूटने के लिए नाटक करता है, ठीक है, तो बंदी बना लिया यानी बांदीपुर, नाटक किया मतलब कर्नाटक, तो बांदीपुर कहाँ है, कर्नाटका में है। सोमेश्वर अभयारण्य, ये भी कई बार एग्जामिनेशन में सीधा सीधा पूछा गया है कि सोमेश्वर अभयारण्य कहाँ है। अंसी अभयारण्य, अंसी जो नेशनल पार्क है ये भी आपका टाइगर रिजर्व है, तो ये भी आप याद रखना है। कुदेरमुख नेशनल पार्क, ये भी बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछ लिया गया है कि कुदेरमुख नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये भी कर्नाटका में। और नागरहोल नेशनल पार्क, ये भी एक टाइगर रिजर्व है। तो दोस्तों इस तरह से आप राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य को एक दो बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं कुछ जीआई टैग जो कर्नाटका से रिलेटेड है। जीआई टैग दोस्तों आप जानते हो कि वैसा प्रोडक्ट जिसके लिए जो काफी चर्चा में रहता है उस जगह का, उसको जीआई टैग सरकार प्रोवाइड कर देता है। तो उसमें अगर देखें तो मैक्सिमम जीआई टैग प्राप्त करने वाला राज्य कर्नाटका है, याद रखना। 42 जीआई टैग अभी तक उसको मिल चुके हैं, आगे भविष्य में और बढ़ सकते हैं। तो मैक्सिमम जीआई टैग कर्नाटका को मिला है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो प्रोडक्ट है वह है सिरसी सुपारी। ये बहुत बार एग्जामिनेशन में आ चुका है कि सिरसी सुपारी को किस राज्य के लिए जीआई टैग मिला, तो कर्नाटका के लिए मिला है। और देखो तो मैसूर सिल्क जो है यहाँ इसको जीआई टैग मिला है। चन्ना पाटन खिलौना, एक खास प्रकार का खिलौना होता है, इसको जीआई टैग मिला है। कोल्हापुरी चप्पल, जी हाँ दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, क्योंकि कोल्हापुरी चप्पल का जो प्रोडक्शन है वो महाराष्ट्र में भी होता है और कर्नाटका में भी होता है, तो कर्नाटका वाले को जीआई टैग मिला। अरबिका कॉफी, जो अरबिका कॉफी है ये कॉफी का एक खास प्रकार है दोस्तों, कर्नाटका में कई जगह पर अरबिका कॉफी का जो है वो उत्पादन होता है, जैसे कुर्ग अरबिका कॉफी या बाबा बुदन गिरी अरेबिका कॉफी, तो ये अलग अलग करके पूछ सकता है आपसे। बस यही याद रखना कि अरबिका कॉफी को जीआई टैग किस राज्य में मिला है, तो आप याद रखना है कर्नाटका में। तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स थे जो कर्नाटका से संबंधित थे। आज अगली स्लाइड में हम लोग देखने वाले हैं कर्नाटका के जो महत्वपूर्ण फैक्ट है, जो इंपॉर्टेंट तथ्यों में काउंट किए जाते हैं, और ये जो स्लाइड अभी आगे आने वाला है ये इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण स्लाइड है, तो बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा, कंटिन्यू वॉच करते रहिए, देखते हैं आखिर क्या है उस स्लाइड में। इस स्लाइड में हम लोग बात करने वाले हैं कर्नाटका में स्थित कुछ महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट के बारे में, जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछा जाता है।
जैसे अगर इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट की बात करें तो सबसे पहला तो इसरो याद रखना है आपको, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो बेंगलुरु में स्थित है, ठीक है। और इसकी स्थापना विक्रम साराभाई ने किया था, कब किया था, 1969 को। तो ये बहुत महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट है, याद रखिएगा, बहुत बाया हुआ। सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करें तो ये भी बेंगलुरु में है और इसकी स्थापना 1960 में किया गया था, ठीक है। अगर देखो दोस्तों, बेंगलुरु से जुड़ा हुआ दो तीन पॉइंट याद रखना, जैसे बेंगलुरु को हम भारत का उद्यान भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक नगर भी बोलते हैं और मलय का देश भी बोलते हैं। तो ये तीनों से एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में पूछ लिया गया है, ठीक है। अगला इंस्टीट्यूट देखिए तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, यह भी बेंगलुरु में ही स्थित है और इसकी स्थापना 1954 को किया गया था, ठीक है। आगे देखिए तो सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, यह जो है ये मैसूर में है और इसकी स्थापना जो है वो 1950 में किया गया था, ठीक है। अगला है नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज, अगर हम इसकी बात करें तो इसकी स्थापना 1959 में किया गया था और ये भी बेंगलुरु में ही स्थित है। और अगला जो VVI बना लीजिए, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है, जिससे पूछ देता है आपसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये कहाँ पर है, तो ये भी बेंगलुरु में है और इसकी स्थापना 1940 में ही कर दी गई थी। दोस्तों इस इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ एक दो पॉइंट आपको याद रख लेना है, जैसे भारत में वायुयान निर्माण की पहली फैक्ट्री जो है वो यही है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, पहली बार भारत में वायुयान बनाने की कोई कारखाना बनाया गया था। इसका जो पुराना नाम है, जिससे में स्टेबल हुआ 1940 में, उस समय इसका नाम था हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी, बाद में इसका नाम बदल करके 1964 ईस्वी में इसका नाम बदल के कर दिया गया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कर दिया गया, ठीक है। तो ये दो तीन नाम याद रखना है आपको। और एक और पॉइंट याद रखना है कि आयरन मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स, इसकी स्थापना 1923 में की गई थी, जिसे आज के डेट में हम विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील का लिमिटेड के नाम से जानते हैं। तो ये भी आपको याद रखना, 1923 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए दोस्तों जानते हैं कुछ और महत्वपूर्ण फैक्टों को। चलिए तो कुछ और जो बचे हुए पॉइंट है उसको देख लेते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करें तो सबसे पहले ये याद रखना है कि धारवाड़ का पठार जो है, ये जो प्लेट्यू है पठार, ये कर्नाटका में स्थित है धारवाड़ का पठार। इस पठार के बारे में दो बातें याद रखना कि ये पर्वतीय चट्टानों से बना हुआ है ना, पर्वतीय चट्टानों से बना हुआ है और इसके पश्चिम में बाबा बुदन हिल्स, जिसको बाबा बुदन पहाड़ी बोलते हैं, और ब्रह्मगिरी पर्वत भी स्थित है। दोस्तों कई बार क्वेश्चन ये पूछ दिया जाता है कि बाबा बुदन हिल्स किस राज्य में है, तो याद रखना ये कर्नाटका में है। बाबा बुदन जो थे ये एक तपस्वी थे जो उस पहाड़ी पर तपस्या करते थे, उन्हीं के नाम पर ये पहाड़ी का नाम पड़ा था। अच्छा, इस पॉइंट को और महत्वपूर्ण बना लीजिए, गोवा से कर्नाटक तक का जो तटीय क्षेत्र है भारत का, यानी जो समुद्री किनारा है भारत का, इसे केनरा तट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? केनरा तट। और मंगलुरु से कन्याकुमारी तक का जो तटीय क्षेत्र है, इसे मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। तो ये दो तट का नाम जो है याद रखना है, ऐसे ज्योग्राफी में जब हम चलेंगे तो वहाँ पर हर एक जो समुद्री किनारे हैं उसके अलग 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 नाम को जरूर हम आपको बताएंगे। फिलहाल ये दो याद रखेंगे। मालाबार तट से रिलेटेड एक पॉइंट याद रखना कि इस तट पर बहुत सारे पश्च जल के स्रोत हैं, जिसे हम स्थानीय भाषा में कयाल के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? कयाल के नाम से जानते हैं। तो ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। आगे देखें, ये जो शिव समुद्रम जलप्रपात है, इससे भी बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया गया है कि शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ स्थित है। तो ये है कावेरी नदी पर, और ये महत्वपूर्ण इसलिए और बन जाता है कि एशिया का प्रथम जल विद्युत गृह जो है वो इसी जलप्रपात पर स्थापित किया गया था 1902 ईस्वी में। तो ये भी याद रखना है, शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी कर्नाटका और एशिया का पहला जल विद्युत गृह, ठीक है। आगे देखें तो सोना की खान के लिए भी कर्नाटका बहुत प्रसिद्ध है। अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जहां सोना का सबसे ज्यादा उत्खनन होता है या सबसे ज्यादा बड़ी खाने हैं, तो वह कर्नाटका याद रखेंगे। कर्नाटका में कोलार की खान और हट्टी की खान, ये दो है, ज्यादातर कोलार पूछा जाता है एग्जाम में।
कोलार की खान और हट्टी की खान जो है ये सोना के लिए प्रसिद्ध है। और एक चीज और याद रखो कि भारत का लगभग 98% सोना जो है वो पूरे देश का कर्नाटका में ही जो है वो प्रोड्यूस होता है, उत्पादित किया जाता है, ठीक है। तो याद रखना सोना के लिए कर्नाटका काफी प्रसिद्ध है। चांदी की खान भी वहां पर है, जैसे चित्रदुर्ग में और बेलारी में वहां चांदी की खान है, तो सोना और चांदी दोनों से संपन्न है राज्य हमारा कर्नाटका। आगे देखें तो ऊनी वस्त्र के उत्पादन केंद्र भी कर्नाटका के दो जगहों पर ज्यादा प्रसिद्ध है, एक तो मैसूर में और दूसरा बेंगलुरु में। दोस्तों कर्नाटका के लिए बेंगलुरु एकदम वरदान है, जितना भी लगभग जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो सब है आपके बेंगलुरु में। अब चलते हैं देखते हैं, बात करें कि कच्चा रेशम उत्पादन, यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुके एग्जाम में कि कच्चा रेशम का उत्पादन करने वाला सबसे ज्यादा जो है वो कौन सा राज्य है, तो वो कर्नाटका है। देश का लगभग 41% उत्पादन कच्चा रेशम का जो है वो कर्नाटका में किया जाता है, ठीक है। और देश का लगभग 56% रेशमी धागा का उत्पादन जो है ये भी कर्नाटका में भी होता है। दोस्तों याद रखना रेशम के लिए कर्नाटका काफी प्रसिद्ध है, और रेशम से संबंधित अगर क्वेश्चन आता है तो जवाब हमेशा कर्नाटका होगा। चांदी के उत्पादन में सबसे नंबर वन स्थान पर दोस्तों राजस्थान है, ये याद रखना है आपको। चलिए आगे देखते हैं, गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है। गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा जो है ये 18 मीटर लगभग ऊंची है, और इस प्रतिमा को लोग बाहुबली के नाम से भी जानते हैं, है ना। कई बार क्वेश्चन ये भी आ गया है कि किस प्रतिमा को बाहुबली का के नाम से जाना जाता है, तो वो है गोमतेश्वर की प्रतिमा। यह प्रतिमा जैन धर्म से संबंधित है दोस्तों, याद रखना है। और यह प्रतिमा कहाँ स्थित, कर्नाटका के श्रवण बेलगोला में यह स्थित है। दोस्तों श्रवण बेलगोला बहुत ही ऐतिहासिक जगह रहा है, यहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु उपवास के दौरान हो गई थी, ये भी याद रख लीजिएगा। और इस जो मूर्ति है इसको बनवाया किसने था, इसको बनाया था चामुंड राय ने बनवाया था, ठीक है। तो गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा से संबंधित दो चार पॉइंट जो आपको बॉक्स में दिख रहे हैं ये आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। आगे देखते हैं बेंगलुरु मेट्रो, ये भी कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि बेंगलुरु मेट्रो जो है इसकी शुरुआत बेंगलुरु में 20 अक्टूबर 2011 को की गई थी, और इसे नम्मा मेट्रो के नाम से जानते हैं। जो बेंगलुरु मेट्रो है उसको किस नाम से जानते हैं, तो नम्मा मेट्रो भी कहते हैं। और इस मेट्रो को बनाने में जो सहयोग किया भारत का वो देश था जापान, यानी बेंगलुरु मेट्रो जापान के सहयोग से बनाया गया है। चलिए दोस्तों ये हो गई कुछ महत्वपूर्ण और बातें, और अगला स्लाइड लास्ट स्लाइड होगा इस वीडियो का जो काफी महत्वपूर्ण है, बने रहिए दो चार मिनटों के लिए। और दोस्तों अगर कोई चीज ज्यादा सीखना पड़ता है ना, हमें थोड़ा सा ज्यादा डीप जाना पड़ता है, ज्यादा ज्ञान लेना होता है, तो थोड़ा सा समय देना ही पड़ता है, और पढ़ाई जो है बड़ा समय मांगता है, और थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए तभी चीजें आपकी अपनी हो पाएगी। चलिए मिलते हैं लास्ट स्लाइड में। चलिए दोस्तों ये कर्नाटक का लास्ट स्लाइड है, आई होप आपको वीडियो थोड़ी सी लंबी बन गई है, बट कोई नहीं, चीजों को अगर अच्छे से पढ़ना है तो थोड़ा सा पेशेंस चाहिए होता है हमें। चलिए कर्नाटक के महत्वपूर्ण तथ्यों में आगे देखें तो कर्नाटक देश का पहला ऐसा राज्य है जहां पनबिजली संयंत्र की स्थापना की गई है। दोस्तों पनबिजली संयंत्र का मतलब होता है जो पानी से जो बिजली बनाई जाती है उसे कहते हैं। और जैसा कि पिछले स्लाइड में हमने देखा था कि शिव समुद्रम जल प्रपात को 1902 में ही जल विद्युत गृह का जो है स्थापना कर दिया गया था, जो भारत ही नहीं एशिया का पहला था। मैसूर पैलेस, ये बहुत खूबसूरत अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट महल है मैसूर पैलेस, जिसे कृष्णा राजेंद्र वाडियार ने बनवाया था 1912 में। तो कभी कभी ये भी पूछ देता है कि मैसूर पैलेस को किसने बनवाया था, तो ये याद रखना है। कर्नाटका स्थित, ये बहुत ही अद्भुत गाँव है दोस्तों, कर्नाटका स्थित शिमोगा जिला में एक गाँव है जिसका नाम है मत्तूर, है ना, मत्तूर गाँव है। इस गांव के जितने भी लोग हैं वो सब संस्कृत में ही बातचीत करते हैं, मतलब वहां की जो लैंग्वेज है वो संस्कृत भाषा है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड बनाता है। दोस्तों संस्कृत के बारे में दो चार लाइन में आपको बता दूं कि संस्कृत हमारी संविधान की 8वीं अनुसूची में 22वीं लैंग्वेज में शामिल है। और संस्कृत के बारे में एक दो पॉइंट और याद रखेंगे कि उत्तराखंड भारत का पहला ऐसा राज्य बना जिसने संस्कृत को अपना दूसरा आधिकारिक भाषा घोषित किया था, और ये 2010 में उत्तराखंड घोषित करने वाला, सेकेंड लैंग्वेज घोषित करने वाला पहला राज्य बना 2010 में। और इस साल 2019 में हिमाचल प्रदेश
दूसरा ऐसा राज्य बना जिसने संस्कृत को अपना दूसरा ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया है। तो दोस्तों दो राज्य याद रखेंगे, कौन कौन सा राज्य संस्कृत को अपना दूसरा लैंग्वेज बनाया, तो एक बनाया है उत्तराखंड, उत्तराखंड बनाया कब बनाया तो 2010 में, और एक बनाया हिमाचल प्रदेश कब बनाया 2019 में। क्या बनाया दोस्तों, तो संस्कृत को अपना सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज, क्या बनाया है सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो घोषित किया है, ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। चलिए कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वह है मुल्लयनगिरी चोटी। ये मुल्लयनगिरी चोटी जो है ये पश्चिमी घाट में है और ये लगभग 1930 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो कर्नाटका की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो यहाँ से पूछता है, बीजापुर। दोस्तों बीजापुर एक ऐसा जगह जो कई सारे क्वेश्चन लेके आता है हमारे सामने, जैसा पहला क्वेश्चन तो ये कि बीजापुर को फाइव रिवर लैंड के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पर पांच नदियां जो है वो बहती हैं बीजापुर में, तो फाइव रिवर लैंड कहते हैं। और बीजापुर संबंधी एक और, दुनिया का सबसे बड़ा गोल गुंबज ये भी बीजापुर में ही स्थित है। दोस्तों एक होमवर्क आपको मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ, होमवर्क ये है कि बीजापुर का यह गोल गुंबज किस शासक का जो है वो मकबरा है, ये बताइएगा आप जरूर कमेंट में, ठीक है। चलिए टीपू सुल्तान, ये भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, टीपू सुल्तान जो है इनको मैसूर का शेर भी कहा जाता है, शेर ए मैसूर की उपाधि इन्हें दी गई थी। और इनकी जो मृत्यु अगर देखें आप तो 1799 में चौथा आंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था। दोस्तों ये जो युद्ध हुआ था ये मैसूर और अंग्रेजों के बीच में हुआ था, तो इस युद्ध में ही जो है ये इनकी मृत्यु हो गई थी, दौरान के युद्ध के दौरान जो है टीपू सुल्तान इनकी मृत्यु हो गई थी। तो कभी कभी तो ईयर पूछ देता है, कभी कभी ये पूछ देता है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु किस आंग्लो मैसूर युद्ध में हो गया था, तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन, कर्नाटक खादी ग्रामोद्योग, ये हुबली में स्थित एक संस्था है जिसे भारत सरकार ने मान्यता दिया है कि वो भारत का ध्वज जो है राष्ट्रध्वज उसको बनाएगा, और ये हमारे देश में एकमात्र मान्यता प्राप्त संस्थान है जो राष्ट्रध्वज को मैन्युफैक्चर करता है, बनाता है और उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखना है आपको। अगला देखिए गोरसप्पा या जोग जलप्रपात, ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसे भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात भी कहा जाता है, और ये इसकी ऊंचाई अगर देखें हम तो ये 253 मीटर जो है वो ऊंचा है। गोरसप्पा या जोग जलप्रपात जो शरावती नदी पर स्थित है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि गोरसप्पा जलप्रपात किस नदी पर है, तो ये शरावती नदी है। एक खास बात और, इस जलप्रपात को महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, तो आपको यह भी याद रखना है, ठीक है। आगे देखें जो ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है दोस्तों, जो साहित्य के क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड हमारे देश में माना जाता है, ये अवार्ड कर्नाटका में सबसे ज्यादा लोगों ने जीता है, कुल मिलाकर देखें तो 8 लेखकों को कर्नाटका में यह सम्मान दिया जा चुका है अब तक का, ठीक है। शकुंतला देवी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, शकुंतला देवी ये इन्हें ह्यूमन कंप्यूटर है ना, मानव कंप्यूटर के रूप में कहा जाता है, इनकी गणनाएं बहुत तेज होती है, इसलिए इनको कहा गया है ह्यूमन कंप्यूटर की उपाधि दी गई है, और ये कर्नाटका से बिलोंग करती हैं, ठीक है, तो इनका नाम भी आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों इस कर्नाटक वाले वीडियो का आखिरी चंद मिनट, और अगर हम बात करें यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत में शामिल स्थलों की, तो तीन स्थल आपको याद रखना है जो विश्व विरासत में शामिल है, जिसमें एक है हम्पी की इमारतें या हम्पी की स्मारक भी कह सकते हो आप, जिसको 1986 में इसको दिया गया था और विश्व विरासत में शामिल किया गया था। पट्टाकल के स्मारक, इसको 1987 में शामिल किया गया था, और पश्चिमी घाट, इसको 2012 में शामिल किया गया था। दोस्तों पश्चिमी घाट से संबंधित कुछ बातें और बता दूं, पश्चिमी घाट जो है काफी दूर में फैला हुआ है, तो ये करीब 4 राज्यों में जो है वो स्प्रेड फैला हुआ है, ठीक है, जिसमें केरला है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है और कर्नाटका है, तो हर राज्य में अलग अलग जो प्लेसेज हैं वो नंबर्स में है। जैसे अगर हम बात करें केरल की, तो केरल में 20 प्लेसेज हैं जो पश्चिमी घाट में हैं, और तमिलनाडु में 5 ऐसे स्थान जो पश्चिमी घाट में हैं,
महाराष्ट्र में 4 और कर्नाटका में 10 ऐसे स्थान है जो पश्चिमी घाट में शामिल है। तो कुल मिलाकर देखें तो पश्चिमी घाट में 2012 में इसको विश्व विरासत में शामिल कर लिया गया था। बस दोस्तों ये रही कर्नाटका की बहुत ही विस्तृत वीडियो, शायद इससे विस्तार और नहीं हो सकता है कर्नाटका, अगर आप कहीं पढ़े हो या पढ़ने की कोशिश करो, मेरे ख्याल से इससे ज्यादा अब नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, एक दो बार और देख लीजिए, ठीक है, इसके बाद मेरे ख्याल से इसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक और महत्वपूर्ण राज्यों के साथ। एक छोटा सा और बात आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर और कॉमेंट जरूर करें, दोस्तों के बीच इसे शेयर जरूर करें, ठीक है, ताकि लोगों को बहुत फायदा हो सके, क्योंकि इन सब पॉइंट से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू।